एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से जो मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था, बट जो है वेलकम नहीं कर पाई, इस वजह से जो है अभी वेलकम कर रही हूँ। तो मॉर्निंग से जो है कुछ क्लिप जो है मैंने ले लिए थे, तो जो इसके बाद में जो है मैं ऐड करने वाली हूँ। एंड जस्ट जो है मैं अभी नहा धो के आई हूँ, एंड पिछले कुछ दिनों से जो है मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी प्रॉपरली आ नहीं रहे हैं, उसके लिए सो सॉरी। क्योंकि बीच में जो है बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो जो ब्लॉग पड़े हुए थे मेरे पास वो भी जो है मैंने एडिट नहीं किए थे, तो इस वजह से। तो अभी जो है कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ। एंड बाहर जो कर्टन लगा है इस वजह से पर्पल पर्पल दिख रहा है पूरा। तो अभी कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक ना एक ब्लॉग डालने की कोशिश करूँ। एंड बहुत से लोगों ने जो है कमेंट किए थे कि मैं जो हूँ अपना प्रेगनेंसी रूटीन वाला जो है व्लॉग बनाऊं, मॉर्निंग रूटीन जो भी मेरा पूरा फुल डे का रूटीन जो होता है उसका व्लॉग बनाऊं। तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी, बट ऐसे फुल डे वाला रूटीन व्लॉग बनाने के लिए जो सबसे पहले तबीयत ठीक होना जरूरी होता है, तभी जो है पूरे दिन का रूटीन वाला व्लॉग मैं शूट कर पाती हूँ, या तो फिर जो कर रही हूँ वो दिखा पाऊंगी। क्योंकि जिस दिन तबीयत खराब होती है मैं दिन भर सो के ही रहती हूँ, तो इस वजह से जो है मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जिस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगेगी उस दिन जो है मैं मेरा रूटीन वाला फुल डे वाला ब्लॉग जो है शूट करके आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो आज सुबह से जो है मैंने अपना थोड़ा सा रूटीन वाला वीडियो जो है शूट किया है, तो आप लोग वो देख लीजिए। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, मैं जाके पूजा कर लेती हूँ, तब तक आप लोग वो क्लिप देख लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जो है मैं अपना मॉर्निंग वाला रूटीन जो है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग के जो है थोड़े बहुत क्लीनिंग होने के बाद में जो है खाना पीने की तरफ ध्यान देना पड़ता है। मम्मी भी आई है हेल्प के लिए, बट अकेले से नहीं हो पाता है ऑब्वियसली, तो सब साथ में मिलकर काम करते हैं हम लोग। अगर वे घर पे होते तो वो भी हेल्प करा देते हैं, मम्मी भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करा देती है, एंड थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है आज मैं नाश्ते में मैगी मैगी जो है वो बना रही हूँ मैं सब लोगों के लिए। तो सोचा कि सबसे पहले जो है मैगी बना लेती हूँ। एक्चुअली जो है मेरे भाई और भैया और छोटे भाई जो है वो आए थे दोनों भी, तो वो जो है वापस जा चुके हैं, तो अभी सिर्फ हम लोग ही हैं। तो विवेक भी जो है वो ड्यूटी पे चले गए थे, तो अभी यहाँ पे हम लोग मम्मी मैं और पीकू ही है, और नानी है, बट नानी मैगी वगैरह नहीं खाती है। तो मैं यहाँ पे पीकू के लिए, मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए यहाँ पे मैगी बना रही हूँ। तो हम सबको जो है मैगी बहुत पसंद है, इसलिए सबके लिए एक 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 अलग अलग पैकेट बन रहा है यहाँ पे, मतलब एक साथ ही। तो आजकल जो है आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ये कह रहे हो कि अपडेट दो, डिलीवरी हो गई है नहीं हो गई है, तो हाँ मैं जल्द ही बताऊंगी। एंड ये जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा पुराना वाला ब्लॉग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूँ, ये जो है 14 तारीख का व्लॉग है। इस दिन कुछ है मैंने सब कुकिंग वुकिंग की थी, खाना वाना बनाया, सारी चीज़ की, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया, एंड देन मैं हॉस्पिटल गई थी। तो उस दिन जो है मुझे थोड़ी सी बुरी खबर आई थी, तो उसके बाद में जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया। एंड क्या हुआ था क्या नहीं, वो इसके बाद में जो है वो अपडेट वाला वीडियो आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद में मैंने वो बनाया है। एंड अभी तक जो है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कुछ मतलब सिचुएशंस ऐसे नहीं थे कि कुछ अपडेट दे पाऊँ, व्लॉग बना पाऊँ, कुछ भी नहीं था प्रॉपर से। इस वजह से जो है मैं नहीं अपडेट दे पाई, सो सॉरी। बट इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो अपडेट वाला ही आने वाला है, बस एक ही मेरे पास ब्लॉग था, तो मैं सोचा ऐसे ये क्लिप डिलीट कर देने से अच्छा है एडिट करके डाल दूँ। तो अभी सारी चीज़ें ठीक है, इसलिए मैं एक एक ब्लॉग जो है वो एडिट कर करके जो है वो मैं डाल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो मैगी है वो बन के रेडी हो गई है, तो मैं यहाँ पे तीनों के लिए प्लेट निकाल रही हूँ, मम्मी के लिए, पिको के लिए और मेरे लिए जो है वो प्लेट निकाल ले रही हूँ मैं। एंड इसके बाद में जो है मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो खाने में आज जो है चावल रोटी एंड लौकी के कोफ्ते बनने वाले हैं। तो जिसको जिसको लौकी के कोफ्ते पसंद है वो लोग आगे की रेसिपी ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले जो है मैगी पीकू को सर्व करने जा रही हूँ। एंड पीकू जो है यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही है, स्कूल्स बंद है, बट बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अभी भी चल रही है। तो रोज़ जो है वो सुबह सुबह जो है पीकू को होमवर्क आ जाता है, टीचर्स जो है वो व्हाट्सएप पे होमवर्क सेंड कर देते हैं एंड एक रिकॉर्डेड वॉइस भेजते हैं बच्चों के लिए कि उनको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो जो है पीकू अपना दिन भर बैठ के थोड़ा थोड़ा करती हैं। तो अभी जो है नाश्ता वाश्ता हो गया, थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी, मैंने टैबलेट्स वगैरह खा लिया है। देन उसके बाद में मैंने सोचा कि अपना कुकिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ पे जो है अभी मैं खाना बनाने के लिए
सबसे पहले जो है अभी मैं यहाँ पे कोफ्ते की सब्ज़ी जो है वो बनाने वाली हूँ आज। उसके बाद में जो है राइस एंड चपाती बनाऊँगी लास्ट में। तो यहाँ पे कोफ्ते के तड़के के लिए सबसे पहले जो है मैं इस साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, एंड कोफ्ते के लिए जो पेस्ट बना था मैंने वो भी बना लिया है। तो मैं कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल सा प्याज अदरक लहसुन एंड उसमें टमाटर डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 जनों का बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ जो है मैं तड़का लगा रही हूँ, तो ये कुछ बेसिक स्पाइसेस जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा तेज पत्ता डाला है, बड़ी इलायची, दालचीनी एंड एक दो जो है लौंग लिए है मैंने। तो ये सारे जो है मैं तेल में थोड़ा सा अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वो पूरा निकल जाए, अच्छे से आ जाए तेल में। एंड उसके बाद में मैं ये पेस्ट जो है इसमें ऐड करूँगी। तो इस पेस्ट में जो है मैंने 2 बड़े टमाटर, 2 बड़े प्याज लिए हैं, कुछ 6 से 7 जो है गार्लिक क्लव्स लिए हैं, एंड 1 से 1.5 इंच जो है वो अदरक लिया है मैंने, एंड थोड़ा सा उसमें जीरा ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के उसमें मैंने इसका अच्छा सा एक प्यूरी टाइप बना लिया है। वो जो है मैंने अभी यहाँ पे तेल में डाला है, एंड इसमें का जितना भी मॉइस्चर, जितना भी पानी है वो सारा सूखते तक जो है मैं इसको पकाऊंगी। तो आपको लग रहा होगा इतना सारा जो ये है एकदम गीला गीला लग रहा है, तो इतना तेल है, तो इतना तेल नहीं है इसमें, जो है पानी रहता है, जो टमाटर में पानी होता है, हम लोग पेस्ट बनाने के लिए भी थोड़ा सा पानी डालते हैं तो वो होता है। तो उसको पूरा पानी सूखते तक, जब तक मसाला तेल ना छोड़े तब तक जो है हमें पकाते रहना है उसको लो फ्लेम पे। ऐसा ना करते हुए आप सिर्फ अनियन का भी पेस्ट बना के डाल सकते हो, तेल में खड़े मसाले डाल दिए, उसके बाद में सिर्फ अनियन का पेस्ट डाल के पकाओ, देन जो हमारे सूखे मसाले हैं वो डालो, एंड उसके बाद में जो है टमाटर का पेस्ट डालो। ऐसे भी कर सकते हैं हम, बट वो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो फास्ट फास्ट वाली प्रोसेस बता रही हूँ मैं आपको। ये जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। एंड दूसरे साइड में जो है कढ़ाई में मैंने वहाँ पे तेल चढ़ा दिया है कोफ्ते तलने के लिए, एंड यहाँ पे कोफ्तों की जो है वो तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक परात में जो है बेसन ले लिया है, कम से कम मैंने 1 से 1.5 कटोरी जो है बेसन लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा अरारोट पाउडर डाला है ताकि कोफ्ते थोड़े से जो है क्रिस्पी बन जाए। एंड अभी जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा अदरक और लहसुन जो है मैंने क्रश करके रखा था तो वो डाल रही हूँ मैं। एंड इसी में जो है मैं जो लौकी जो है मैंने कीस के रखी थी ग्रेट करके, उसमें से पानी निकाल के रखा था वो भी डालूंगी, एंड थोड़े से जो है सूखे मसाले ऐड करूंगी ताकि कोफ्ते में थोड़ी अच्छी टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में डाल सकते हो। मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला था, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डाला था मैंने एंड थोड़ा सा जो है यहाँ पे भुना जीरा का पाउडर भी ऐड किया था, एंड टेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नमक भी ऐड किया था मैंने। तो आप लोग सारे स्पाइसेस जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो, आपको जितना डालना है उतना। एंड साथ ही साथ हाथ के हाथ जो है मैं यहाँ पे मसाले को भी चलाते जा रही हूँ ताकि नीचे ना बैठ जाए। एंड आप देख सकते हो मसाला यहाँ पे पक रहा है, धीरे धीरे तेल छोड़ना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जैसे कि मिर्ची पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच जो है मिर्ची पाउडर डाला है, आधा चम्मच जो है मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, एंड आधा चम्मच गरम मसाला। ये सारे जो है मसाले डाल के मैं इसमें मिक्स करके इसको और पकने देने वाली हूँ। तो ये सारे सूखे मसालों के साथ ये पेस्ट अभी यहाँ पे थोड़ी देर पकता रहेगा, तब तक जो है मैं अपनी कोफ्ते जो है वो पूरी तरीके से रेडी कर दूँगी। ऐसे लग रहा है मैं धीरे धीरे बता रही हूँ तो, बट ये इस तरीके से जो है बनाते हैं हम लोग, तो बहुत ही फास्ट बन जाते हैं कोफ्ते। एंड यहाँ पे जो है मैंने जो लौकी ग्रेट करके रखी हुई थी उससे जो है पूरा पानी निचोड़ के जो है मैं अभी इस परात में डाल रही हूँ। पानी इसलिए निचोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर जो है कोफ्ते तलते तक जो है वो बहुत ही गीले हो जाते हैं इस वजह से। इसलिए इसको अच्छे से जो है या तो आप कॉटन के कपड़े में भी डाल के निचोड़ सकते हो, अच्छे से जो है इसका पूरा पानी ड्रेन आउट कर लेना है, एंड उसके बाद में इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जो लोग लौकी नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए जो है ये एक बहुत हेल्दी वे है, उनको खिलाने का अच्छा वे है ये उनको खिलाने का, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा लौकी जो है वो निचोड़ के यहाँ पे डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। एंड हाँ, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लौकी में वैसे ही पानी छूटता रहता है, तो इसमें जो है पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें अपना ही मॉइस्चर इतना होता है कि ये अच्छे से एक आटे की तरह गूंद जाता है, एंड ज़्यादा देर तक अगर छोड़ो तो पानी छोड़ने लगता है क्योंकि हम इसमें नमक भी ऐड करते हैं इस वजह से। तो इसको जो है अच्छे से जो है गूंद लेना है, एंड उसके बाद में उसके जो है गोल गोल शेप में जो है कोफ्ते बना के
इसको ये कर लेना है, तल लेना है। तो यहाँ पे बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ। मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये गीला हो रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन एंड थोड़ा सा ऊपर से फिर नमक डाला है, क्वांटिटी बढ़ गई थी इस वजह से। एंड इसके बाद में जो अभी मैं इसको तल लूँगी। देख सकती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मसाला पक चुका है एंड बहुत अच्छा एक अरोमा जो है पूरे घर में फैल गया है। बहुत ही अच्छी लग अच्छा अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में। तो जिस मिक्सर के पॉट में मैंने मसाला पीसा था उसी में जो है मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो जो है मैंने मेरे सब्जी में डाल दिया। आपको जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है आप उतना पानी डाल सकते हो, गाढ़ी पतली जैसी रखनी है उस हिसाब से जो है आपको पानी डालना है। एंड वैसे भी जो है लौकी के कोफ्ते जो है वो पानी बहुत पीते हैं, तो आपको ग्रेवी जो है आपकी जितनी रखनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जो है कोफ्ते डालने के बाद में पानी थोड़ा कम, मतलब ग्रेवी जो है वो थोड़ी कम ही होने वाली है इस वजह से। एंड अभी जो है मैं यहाँ पे लास्ट में नमक थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करने वाली हूँ, और इसको जो है अच्छे से एक या दो जो है बॉईल आने तक के लिए मैं इसको छोड़ने वाली हूँ। एंड उसके बाद में जो है हम इसमें कोफ्ते ऐड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मेरी ग्रेवी जो है एकदम यम दिख रही है, बहुत ही यमी बनी भी थी एंड दिखने में बहुत अच्छी थी। एकदम झटपट तरीके से बन जाती है बट बहुत ही टेस्टी बनती है इस टाइप से कोफ्ते की, या किसी भी चीज़ की आप ग्रेवी बनाओ इस टाइप से तो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे देखिए मेरे गोल गोल से कोफ्ते जो है वो क्रिस्पी से एकदम बन के तैयार हो गए हैं। आप ऐसे भी किसी को खाने के लिए दे सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे भी। तो आप देख सकते हो मैंने एक बैच पहले निकाल दी थी, अभी जो है मेरी दूसरी बैच जो है वो पक रही है। तो इस टाइप से जो है हमको इसको कम लो फ्लेम पे जो है दोनों तरफ से जो है वो पलट पलट के जो है इसको सेकना पड़ता है, अच्छे से तलना पड़ता है ताकि अंदर से जो है ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो मेरी ग्रेवी पक रही है एंड मैंने जैसे ही ओपन किया तो मैंने देखा कि इसमें जो है लक्ष्मी के दो पैरों की तरह निशान जो है वो उमड़ गए हैं। आपको भी देखने को मिल लग रहा होगा देख के, तो भगवान जो है मुझे ये संकेत दे रहे थे कि इसके अगले ही दिन जो है मेरे घर में दो नन्हे से पैर, मतलब कि एक नन्हा इंसान जो है वो आने वाली है या आने वाला है। इस वजह से जो है भगवान ने ये साइन दिखाया था मुझे। तो अभी जो है मेरी ग्रेवी जो है अच्छी तरीके से पक चुकी है, तब मैंने इसमें कोफ्ते ऐड किया है एंड आधा मिनट के लिए बस मैं इसको एक बॉईल आने दूंगी एंड उसके बाद में मैं बंद कर दूंगी गैस। तो नहाने के बाद में मैंने पूजा कर लिया था एंड मंदिर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जच रहा था, तो मैंने सोचा कि एक लुक ले लूँ आपको दिखा दूँ, क्योंकि भगवान को देख के ऑब्वियसली हर किसी का मन जो है खुश हो जाता है। ओके सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग, होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी जो है पूरी रूटीन जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अभी खाना वाना करके रेस्ट करने वाली हूँ, तो इसके आगे ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूंगी। सो सॉरी कि बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है, तो बट जो है जैसे जिस दिन जम पा रहा है वैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो होप कि आप लोग को मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो के लिए बाय बाय।